मुसलमानों के सबसे महत्वपूर्ण और पाक महीने रमजान की शुरुआत हो गई है। ये वो महीना होता है जब बच्चे से लेकर बूढ़ा खुदा की इबादत करता है। इस पूरे महीने सभी नियमों का पालन करते हुए रोजा रखा जाता है। सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक के बीच कुछ भी खाने पीने की इजाजत नहीं होती। वैसे तो प्रेग्नेंट महिलाओं को रोजा न रखने की छूट होती है, लेकिन अगर इसके बावजूद भी कोई रोजा रखना चाहती है तो उन्हें कई बातों का ध्यान रखना होगा। प्रेग्नेंट महिलाओं में खून की कमी या कोई अन्य दिक्कत हो तो हर दिन रोजा रखने से बचें। अचानक कमजोरी महसूस होने लगे तो प्रेग्नेंट महिलाएं तोड़ सकती हैं रोजा। उपवास के दौरान नहीं हो रही बच्चे के मूवमेंट या पेट में हो रहा है दर्द तो रोजा खोल देना ही सही है। जिन महिलाओं को ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो रोजा रखने से बचें। रोजा रखने के दौरान वजन हो रहा है कम तो डॉक्टर से लें सलाह। बहुत ज्यादा प्यास लगने या पेशाब कम या गहरे रंग का होने पर तोड़ा जा सकता है रोजा। रोजा रखते हुए चक्कर आने लगे तो तुरंत अपने ब्लड शुगर को कराएं चेक। रोजा के रखने के पहले और तोड़ने के बाद 3 से 3.5 लीटर पानी का सेवन रोजाना करें। खजूर भीगे बादाम जरूर खाएं, क्योंकि यह आपको ही नहीं आपके शिशु के लिए भी जरूरी है। फल और जूस के साथ दूध या दही का सेवन भी जरूर करें। गर्मी ज्यादा होने के कारण अत्यधिक चाय या कॉफी का सेवन ना करें। प्रेग्नेंट महिलाओं को हर्बल टी या ग्रीन टी का भी सेवन ज्यादा नहीं करना चाहिए। सेहरी में हाई प्रोटीन डाइट के साथ हाई फाइबर डाइट लें। लंबे समय तक भूख से बचने के लिए पनीर, चिकन, मटन, मल्टीग्रेन रोटी खाएं। बहुत मीठा या बहुत तीखा और ऑयली खाना बिल्कुल ना खाएं। बहुत अधिक ऑयली या मसालेदार खाने से पेट में जलन, दर्द जैसी समस्या हो सकती है। महिला अगर प्रेगनेंसी में पूजा रोजा करना चाहती हैं तो सबसे पहले गायनोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए और उनके द्वारा बताई गई सलाह का ही पालन करें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।